हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं होंडा सेंट्रो स्टार्टिंग प्रॉब्लम के बारे में। और दोस्तों हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल अकरम कार टेक्निकल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये देख लीजिए दोस्तों, हमने जो है इसका हेड खोल रखा है, आप देख रहे हो गए चार सिलेंडर हैं इसके और ये सिलेंडर ब्लॉक है। तो हमने इसका हेड क्यों खोल रखा है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने पूरा खोलते हुए इसको आपको नहीं दिखाया है, लेकिन मैं इसको फ़िट करते समय आपको दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये देख लीजिए, इसका रेडिएटर है और यहाँ से लीक हो रहा था, तो यहाँ से लीक होने से जो है इसका रेडिएटर का पूरा पानी ख़त्म हो गया। और पानी ख़त्म होने से हमारी गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो गई। तो ओवर हीट होने से क्या हो रहा है, स्टार्टिंग के इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, कंप्रेशर इसका वीक हो रहा था, हेड गैसकेट पूरी तरह जो है ख़राब हो चुकी थी और हेड का जो फेस आउट हो चुका था। ये देख लीजिए मैंने इसका हेड खोल रखा है, उसकी हेड गैसकेट है, हेड गैसकेट जो है दोस्तों मैंने नई ले ली है। और ये देख लीजिए इसकी ओल्ड वाली हेड गैसकेट है और मैंने इसका हेड फेस करा दिया है। इसका हेड फेस करा कर जो है दोस्तों मैंने मंगाया है, क्योंकि हेड इसका जो फेस होता है ना, इसका आउट हो चुका था। एल्युमिनियम का हेड होता है और लोहे की गैसकेट होती है, तो हेड का फेस आउट हो जाता है। और ये देख लीजिए मैंने इसका हेड अच्छे से फेस करा दिया है। और फेस कराने के बाद जो है मैं इसकी हेड की प्रॉपर जो है फिटिंग करने वाला हूँ और आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा हेड की फिटिंग किस तरह से होती है। और स्टार्टिंग की बहुत ज़्यादा इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि पानी सारा इसका निकल चुका था और पानी ख़त्म होने से जो है इसकी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। और मैं इसकी जो है ये देख लीजिए इसके एल्बो वगैरह सब फिट कर रहा हूँ और मैंने इसका थर्मोस्टेट वाल भी चेक किया है। थर्मोस्टेट वाल तो ठीक है और इसका इंटेक एग्जॉस्ट जो है सब कंप्लीट में फ़िट करूँगा। इसका इंटेक मैनिफोल्ड लगाने के बाद इसका हेड रख करके हेड अच्छे से टाइट करने वाला हूँ। और इसकी इग्निशन कॉइलें वगैरह मैंने लगा दी हैं। ये लीटें लगाने के बाद ये देख लीजिए इसके इंटेक मैनिफोल्ड जो है, अब मैंने इसका अच्छे से टाइट कर देना है। इस कार में जो है दोस्तों स्टार्टिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, कार जो है हमारी बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो चुकी थी और कंप्रेशर जो इसका वीक हो रहा था। अब मैं जो है इसका इंटेक मैनिफोल्ड लगा रहा हूँ, इंटेक मैनिफोल्ड लगा करके इसको नट बोल्ट इसके अच्छे से टाइट कर दूँगा। और ये देख लीजिए इसकी हेड गैसकेट जो है मैंने ली है, हेड गैसकेट किस तरह से इसकी लगाई जाती है और कैसे रखी जाती है मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। और इसमें एक ऑयल वाला जो सुराख होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिए यहां से जो है ऑयल पंप से सीधा ऊपर ऑयल ब्लॉक में ऑयल आता है और ब्लॉक से सीधे हेड में ऑयल जाता है। तो ये हेड गैसकेट को किस तरह से रखा जाएगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये देख लीजिए इस तरह से इसकी गैसकेट को आराम से फिट कर दीजिए और इसके सारे होल जो होते हैं होल चेक कर लीजिए। और ये देख लीजिए इसका ऑयल वाला जो होल है ये भी जो है ब्लॉक वाले होल से मिल जाता है और हेड गैसकेट सीधी जो है इसी तरह से रखी जाएगी। और मैंने हल्का सा इसमें जो है गैसकेट में ऑयल लगा करके और अब मैं इसके पिस्टनों में हल्का हल्का दोस्तों ऑयल लगाऊंगा ताकि कंप्रेशर अच्छा बन जाता है, इसमें ऑयल रहता है। तो इसके स्लीपर पर ये देख लीजिए मैं हल्का हल्का जो ऑयल लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑयल लगाने से क्या होता है जब स्टार्टिंग होती है कार तो अच्छा कंप्रेशर बन जाता है और एकदम स्टार्ट हो जाती है स्मूथली। और मैंने इसको लगा दिया, अब लगाने के बाद मैं इसका हेड फिट कर रहा हूँ। और ये मैंने हेड जो है इसका आराम से रख दिया है। हेड रखने के बाद अब इसके बोल्ट जो है मुझे हेड के लगाने हैं। ये देख लीजिए ये आठ नंबर की जो है इसमें एलेंकी आती है हेड के बोल्टों में, आठ नंबर की एलेंकी से जो है मैं इसके हेड के बोल्ट जो है टाइट करूँगा। और ये इसकी देख लीजिए दोस्तों, ये इसकी मैंने कैम टाइट कर दी है। और कैम टाइट करने के बाद इसकी और भी जो एग्जॉस्ट वगैरह जो है इसकी फ़िटिंग कर दी और ये लीटें वगैरह भी जो है मैंने लगा दी, इसके सारी फ़िटिंग जो है दोस्तों कर दी है। इसकी ये देख लीजिए फ्यूल इंजेक्टर के कपलर वगैरह भी लगा दिए हैं, ऑलरेडी लगे थे ये। अब मैं जो है इसका टाइमिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ, सेंट्रो का टाइमिंग आपको दिखाने वाला हूँ कितना ईजीली इसका टाइमिंग है। ये देख लीजिए जो कट का आपको निशान दिख रहा है और ये इसके सिलेंडर हेड में जो है ये निशान होता है वहाँ से और ये मैच करता है। और इसी तरह से जो है क्रैंक का टाइमिंग मिलाया जाता है और ये देख लीजिए मार के लगा है क्रैंक की उसमें। वो
और जो है अब मैं इसकी जो है बेल्ट चढ़ा रहा हूँ, बेल्ट चढ़ा करके इसकी पूरी फिटिंग करने वाला हूँ। टाइमिंग मैंने दोस्तों इसका दिखा दिया होगा आपको, और पूरा टाइमिंग जो है मिला दिया है, और लगाने के बाद इसका टाइमिंग कवर वगैरह भी लगा दिया है। इसकी पूरी जो है कंप्लीट मैं फिटिंग करने वाला हूँ। पूरी कंप्लीट फिटिंग करने के बाद आपको और भी स्टार्ट करके फिर मैं दिखाऊंगा। इसका रेडिएटर भी मैंने लगा दिया है, और इसका जो थर्मोस्टेट वाल्व था दोस्तों, थर्मोस्टेट वाल्व ठीक था, तो मैंने थर्मोस्टेट वाल्व को खोल करके चेक करके एसी लगा दिया है, क्योंकि ज़्यादा ओवरहीट होने से क्या होता है, थर्मोस्टेट वाल्व भी इसका ख़राब हो जाता है। और गाड़ी जो है मैंने कंप्लीट कर दी है, पानी वगैरह भी इसमें डाल दिया, और कार जो है हमारी दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। और ये देख लीजिए जिस तरह से पहले पानी का उबाला मार रही थी, वो उबाला मारना इन्हें जो है बंद कर दिया है, क्योंकि हेड फेस आउट हो जाता है दोस्तों ज़्यादा ओवर हीट होने से, तो उबाल मारना शुरू कर देती है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है गाड़ी में, स्टार्टिंग लेट हो जाती है। और इसमें जो है थोड़ा और पानी मैंने डालना है, पानी डालने के बाद जो है इसका रेडिएटर का कैप लगाऊंगा, कैप लगाने के बाद गाड़ी को गर्म करूंगा और फ़ैन वगैरह चला करके और पूरी कम्प्लीटली फिटिंग करके फिर इसकी ट्रायल करूंगा। और लगभग दोस्तों हमारी जो है गाड़ी कम्प्लीट हो चुकी है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।